आज अपन बात करेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य देखो सामने। सबसे पहले एक बार अपन बात कर लेते हैं मराठा साम्राज्य के वंश वृक्ष के, है ना। कल मैंने आपको वैसे बता दिया था और आज एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले एक नाम अपन को मिलता है मालू जी, ठीक है। मालू जी राज्य, मालू जी राज्य। और ये राज्य क्या काम करते थे? मावड़े थे। क्या काम करते थे? मावड़े। मावड़े का मतलब क्या होता है? किसान। मावड़े का मतलब होता है किसान, यानी खेती करते थे। इन्हीं के समय एक इनका दोस्त था, जो क्या था उनका? जादव राज्य। क्या नाम था? जादव राज्य। और जादव राज्य काम करते थे सरदेशमुखी का काम करते थे। किसका काम करते थे? सरदेशमुखी। और सरदेशमुखी का मतलब क्या होता है? कर वसूलना, ठीक है ना, भू राजस्व प्राप्त करना। और फिर कहाँ जमा करवाना? अपने अधीनस्थ के। कहने का मतलब जिसका अधीनस्थ था, वो जिसका गुलाम था, मुगलों का गुलाम था या फिर बीजापुर का गुलाम था। तो ये जो जादव जी थे, ये कहाँ के गुलाम थे? बीजापुर के, है ना, बीजापुर के गुलाम थे ये। और यहां से अपने साम्राज्य से कर वसूल करके कहाँ जमा कराते थे? अपने साम्राज्य से, इनके अधीन काम करते थे और यहाँ पर कर वसूल करके और फिर बीजापुर के सुल्तान को वहां जमा करवाते थे, ठीक है। इन जादव जी राज्य के एक पुत्री थी जिनका नाम था जीजाऊबाई। क्या नाम था? आपको इसका क्या नाम मिल सकता है? जीजाबाई भी मिल सकता है। क्या नाम मिल सकता है? जीजाबाई, ठीक है ना। और यहाँ मालू जी ये रहते कहाँ थे? तो मालू ये रहते थे रत्नागिरी। कौन से जगह रहते थे? रत्नागिरी। रत्नागिरी कह दो या देवगिरी कह दो, मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे गोरपड़े। गोरपड़े, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में। और इनके एक पुत्र था, इन पुत्र का क्या नाम था? साहाजी। क्या नाम था? साहाजी, ठीक है, साहाजी। और मालू जी, यानी मालू जी अपने पुत्र को लेकर एक बार कहाँ गए थे? अपने दोस्त से मिलने के लिए। कहाँ मिलने के लिए गए? रत्नागिरी। रत्नागिरी है ये मालू जी जो मावड़े थे, जादव जी राज्य के दोस्त थे। क्या थे? दोस्त, है ना, अपन कह सकते हैं ये दोस्त थे। और दोस्त से मिलने के लिए वहां गए थे रत्नागिरी, या फिर अपन बोल सकते हैं देवगिरी। जब ये देवगिरी गए तो यहाँ पर आराम से दोनों दोस्त थे, बैठे बैठे आराम से मिल रहे थे। और जब ये मिल रहे थे तो इनकी, एक तो आपकी जीजाऊ भाई और साहा जी, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ठीक है ना, एक दूसरे को देख रहे थे, निहार रहे थे। इस कारण से ये दोनों चाहते थे कि हम शादी करें, हम शादी करें। इनके इन दोनों लड़कों और लड़कियों को देखा मालू जी ने जब इनको देखा, दोनों लड़के और लड़कियों को, तो अपना अपने दोस्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? अपने दोस्त को। और दोस्त को कहकर के कहते हैं कि अपनी जो दोस्ती है वो दोस्ती किसमें परिवर्तित कर ले? रिश्तेदारी में, है ना। अपनी दोस्ती है वो रिश्तेदारी में परिवर्तित कर ले और अपने दोनों लड़कों और लड़कियों का विवाह है एक साथ कर ले। लेकिन यहाँ इन्होंने मना कर दिया कि आप कहाँ किसान और मैं कहाँ नौकरी करने वाला। आप कहाँ, आप तो क्या करते हो? किसानी खेती करते हो, और मैं क्या करता हूँ? नौकरी करता हूँ। इसलिए मैं ये विवाह है नहीं करूंगा, ये विवाह नहीं करूंगा। लेकिन जीजाऊ बाई थी, ये जीजाऊ बाई चाहती थी कि मैं किसके साथ में विवाह करूं? साहा जी के साथ विवाह करूं। इन्होंने अपने लड़की के जिद में साहा जी के साथ में इनका क्या कर दिया? विवाह कर दिया। यानी साहा जी हो गया, विवाह हो गया। ये विवाह है खूब दिनों तक नहीं चला, ये विवाह है खूब दिनों तक नहीं चला। नहीं, इसलिए नहीं चला क्योंकि जीजाबाई चाहती थी कि आपका साहा जी क्या करे? खेती करे। यानी ये मावड़े ही रहे। क्या रहे? मावड़े, यानी किसान ही रहे, ये किसी के गुलाम न बने। जबकि साहजी भोंसले थे, ये चाहते थे कि मैं, जो मेरे ससुर जी जो काम करते थे सरदेशमुखी का, चोत वसूली का, भू राजस्व वसूली का जो काम करते थे, वो काम मैं करूं, है ना। इस कारण से दोनों के आपस में बनी नहीं, और नहीं बनी तो ये इसको त्याग करके और कहाँ चले गए थे?
बीजापुर के सुल्तान के वहां चले गए और वहां जाकर के क्या करने लग गए, सरदेश मुखी का काम करने लगे। इसका काम करने लगे सरदेश मुखी का। अब जब ये सरदेश मुखी का काम करने लग गए यहां सरदेश मुखी, जब ये यहां जाकर के सरदेश मुखी का काम करने लग गए तो इनकी जो पत्नी थी, ये पत्नी जीजोबाई, ये कहां रहने लगी? जीजोबाई, जीजोबाई है ये कहां लग गई थी? सिवनेर। कहां रहने लग गई थी? सिवनेर में। सिवनेर है ना, सिवनेर, इस सिवनेर में रहने लग गई। और यहां पर ही इनके पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका क्या नाम था? शिवाजी। इनके पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी। यहाँ शिवाजी है अपनी माता, शिवाजी अपनी माता व दादाजी। दादाजी कौन थे इनके? अपन को नाम मिल सकता है कोणदेव, क्या कह सकते हैं अपन? कोणदेव भी कह सकते हैं, या फिर इनका और क्या नाम मिल सकता है? कोणदेव, ठीक है ना। ये कोणदेव और अपनी माता जीजोबाई के संरक्षण में रह करके बड़े हुए, और इनकी माता जीजोबाई है ना, जीजोबाई, ये शिवाजी को ऐसा कौन सी कहानियां सुनाती थी? महाभारत के, महाभारत के योद्धाओं की, रामायण के योद्धाओं की ऐसी कहानियां सुनाती थी, है ना। किन कहानियां सुनाती थी? योद्धाओं की। और इनसे एक वचन भी मांगा था, कहा था आपको गाय की रक्षा करनी है, आपको हिंदू की रक्षा करनी है ना, हिंदू, आपको अपने कुल या फिर आपकी जाति की भी आपको क्या करनी है? रक्षा करनी है। और साथ ही साथ आपको किसकी रक्षा करनी है? ब्राह्मणों की, ठीक है ना, ब्राह्मणों की भी आपको क्या करनी है? रक्षा करनी है। हिंदुत्व पर इनका हिंदुत्व है, यानी ये मुगलों के अधीन न रह करके कहाँ रहना चाहते थे? अलग से स्वतंत्र रहना चाहते थे, और अपने साम्राज्य के पूरे को क्या करना चाहते थे? हिंदुत्व है। और हिंदुत्व का बीज है बचपन से इनकी माता ने इनके बोध दिया था। कहने का मतलब इनकी माता थी वो हमेशा ही हिंदू का ही प्रचार करती थी, हिंदू के बारे में ही बताती थी। इससे ये चाहते थे कि मैं एक अलग से साम्राज्य बनाऊं और वो पूरा का पूरा किसका हो? हिंदुओं का हो। किसका हो? हिंदुओं का। इस कारण से इन्होंने फिर अपने साम्राज्य में हिंदुओं को ज्यादा महत्व दिया, न कि मुगलों को, ठीक है ना। अब यहां अपन बात करते हैं, ये जो मराठा है, ये मराठा आए कैसे, क्या कारण हुआ कि मराठा साम्राज्य का अलग से एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकास हुआ या उदय हुआ। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब आपका औरंगजेब है, इनकी मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को। और जब 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यहाँ मराठा साम्राज्य का क्या हो गया? उदय हो गया। मराठा साम्राज्य का क्या हो गया? उदय, उदय हुआ, यानी मराठा साम्राज्य था ये विकसित हुआ या सामने आया। इसमें ये सामने वाला शक्तिशाली, जितने भी राज्य स्वतंत्र हुए, जितने भी राज्य, उन सब राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य था, स्वतंत्र राज्य था आपका कौन सा? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य है उन सब में शक्तिशाली राज्य था, ठीक है ना। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ 16वीं-17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 16वीं-17वीं शताब्दी में एक धार्मिक विद्रोह चल रहा था। कौन सा विद्रोह है? धार्मिक विद्रोह है। और उस धार्मिक विद्रोह की वजह से भी यह मराठा साम्राज्य है ये उत्पन्न हुआ, इसका भी उदय हुआ। यानी धार्मिक विद्रोह था, ये मुगलों के खिलाफ था, मुसलमानों के खिलाफ था, इस कारण से इन ये भी एक मराठा साम्राज्य को उदय करने का कारण है। इसके बाद शिवाजी, ठीक है, शिवाजी सबसे पहले शासक बन गए। और शिवाजी का सबसे पहले अपन बात करते हैं इनका जन्म, इनका जन्म है वो कहाँ होता है? 19 फरवरी 1627 ईस्वी को सिवनेर, कहाँ होता है? सिवनेर। और सिवनेर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। सिवनेर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यानी सबसे पहले जो शासक बने मराठा साम्राज्य के,
और ये मराठा साम्राज्य के पहले जो शासक थे ये थे आपके शिवाजी। और इन शिवाजी ने 1627 ईस्वी से लेकर के 1680 ईस्वी तक क्या किया था, इन्होंने शासन किया था। जब इनके पिता इनको छोड़कर के चले गए थे तो अपने दादा के पास रहे थे शिवनेर में, पूना की जागीर इनको प्राप्त हो गई थी और वहीं पर ये छोटे से ही रहने लगे थे, है ना। इनके पिता का क्या नाम था, भोंसले। क्या नाम था, शाहजी भोंसले, ठीक है ना, ये पिता नाम था। और इनकी माता कौन थी, इनकी माता जीजाऊबाई। क्या नाम था, जीजाऊबाई, ठीक है ना। इनकी माता का नाम था जीजाऊबाई। कहा जाता है कि ये देवगिरी के यादव राजवंश से संबंधित थी। जीजाऊबाई कौन से राजवंश से संबंधित थी, देवगिरी के यादव राजवंश से। और आपके शिवाजी थे ये किस राजवंश से संबंधित थे, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से, यानी मेवाड़ का जो सिसोदिया राजवंश था और उन सिसोदियाओं के वंशज हुआ करते थे आपके शिवाजी के पिताजी कौन थे, मालू जी। और मालू जी के पिताजी थे मानजी। ये मानजी हैं, ये सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। कहाँ के थे, सिसोदिया मेवाड़ के, ठीक है ना। अभी इनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में इनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका क्या नाम है, शिवाजी। अब इन दोनों में काम को लेकर के क्या हो गई थी, खटपट हो गई थी। और ये अपने दादा के साथ और माँ के साथ कहाँ रहने लग गए थे, शिवनेर में रहने लग गए, है ना। इनके गुरु कौन थे, गुरु इनके गुरु हैं समर्थ है, गुरु क्या नाम है, समर्थ गुरु रामनाथ। और इसमें तुकाराम जी एक मराठी भाषा के संत थे जिन्होंने मराठी भाषा में उपदेश दिया है, उनका क्या नाम था, तुकाराम जी। तुकाराम जी से शिवाजी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, किनसे, तुकाराम जी से। आपको ध्यान रखना है तुकाराम जी से, यानी शिवाजी हैं वो कौन से संत थे सब प्रभावित थे, तो तुकाराम जी से। इनके गुरु कौन है, समर्थ गुरु रामदास। और इनके शिक्षक कौन थे, इनके शिक्षक कौन थे, इनके दादाजी कोणदेव, ठीक है। अब आगे बात करते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी है 46 ईस्वी में एक किले को जीतते हैं, आपको बताया था आपके, ये कौन सा किला है, पुराण किला, ठीक है, पुराना किला। और 1643 ईस्वी में इसको विजित करते हैं। यहाँ कोई भी राज्य या सेनापति होगा वो इस तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, है ना। जबकि शिवाजी है अरे तबीयत खराब हो रही है, कोई भी राज्य है या सेनापति है वो किस साइड से आक्रमण करने की कोशिश करेगा, ढलान वाले क्षेत्र से। जबकि शिवाजी थे ये इस तरीके से आपके अधिकार आक्रमण करने की सोचते थे और ऐसा ही आक्रमण दूसरे किलों पर करते थे। और किलों पर करने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ से कोई भी सेनापति आक्रमण करने के लिए यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा तो इस साइड में तो सेना है वो ज्यादातर ध्यान रखेगी, किला की सुरक्षा किस साइड में ज्यादा रखने की जरूरत होगी, ढलान वाले क्षेत्र में, क्योंकि इस साइड से प्रत्येक आक्रमणकारी चाहेगा कि अपन को यहाँ से चले जाना है। जबकि शिवाजी थे वो सीधा आक्रमण करना चाहते थे और सीधा ही आक्रमण करते थे। देखो एक बार यहाँ शिवाजी है ये किसका प्रयोग करते थे, गोये का, है ना, गोयरा। क्या है ये, गोयरा, अपन ये कह सकते हैं गोयरा, ठीक है ना। इस गोयरा का जिसे पालडागुराय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पालडागुराय, है ना, क्या बोलते हैं इसे, पालडागुराय, अपनी भाषा में पालडागुराय बोल देते हैं, गोय भी बोलते हैं उसे, गोय, है ना, गोय भी बोलते हैं, पालडागुराय भी बोलते हैं, गोयरा भी बोलते हैं। और गोयरा ऐसा होता है जीव जिसकी खड़प है वो खतरनाक होती है, ये बांध करके और फिर क्या कर लेते थे, ऊपर चढ़ जाते थे उसके, ठीक है ना। और फिर ये क्या करते थे, यहाँ इसको जीत लेते थे। तो आपको 1643 ईस्वी में सबसे पहले कौन सा दुर्ग है इन्होंने जीत लिया, 1643 में तोरणा का किला, ठीक है, तोरणा का किला जीत लिया। इसके बाद में इन्होंने
1656 ईस्वी में रायगढ़ को जीता। किसको जीता? रायगढ़ को। और रायगढ़ को जीतने के बाद में इसे अपने क्या बना ली थी? राजधानी बना ली। क्या बना ली? राजधानी। और राजधानी बना करके यहां पर ये रहने लग गए थे, ठीक है ना। इन्होंने राजधानी बना ली। इसके बाद में 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या करवाया? अपना राज्याभिषेक करवाया। क्या करवाया? अभिषेक, है ना। और राज्याभिषेक है इनका दो बार हुआ था। कितने बार हुआ था? दो बार। एक जून 1674 ईस्वी में और एक अक्टूबर 1676 ईस्वी में। कहा जाता है कि पहला जो राज्याभिषेक हुआ था इनका, ये पहला जो राज्याभिषेक है काशी के पंडित थे। कहाँ के पंडित थे? काशी के। और जिनका नाम था गांगे। क्या नाम था? गांगे। और इन्होंने शिवाजी को कौन सी उपाधि दी थी? छत्रपति की उपाधि दी थी। ये जो राज्याभिषेक था, ये राज्याभिषेक के अशुभ मुहूर्त में हुआ था, है ना। कहा जाता है कि ये राज्याभिषेक अशुभ मुहूर्त में हुआ, इस कारण से इनकी माताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया। इस कारण से अपशगुन के कारण इन्होंने दोबारा अपना क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया था, ठीक है ना। एक हो गया 1634 जून 1674 ईस्वी में और एक हो गया अक्टूबर 1676 ईस्वी में। दो बार इनका राज्याभिषेक हुआ। यहाँ इन्होंने काशी के पंडित को क्यों बुलाया? कारण क्या था काशी के पंडित को बुलाने का? क्योंकि यहाँ के रायगढ़ के जो पंडित थे वो इन्हें क्या नहीं मानते थे? ब्राह्मण थे ना, वो क्षत्रिय नहीं मानते थे। और क्षत्रिय नहीं मानने के कारण इन्होंने किसको बुलाया था? काशी के पंडित को। काशी के पंडित ने इन्होंने इनका राज्याभिषेक करवा दिया और छत्रपति शिवाजी की इनको क्या दे दी? उपाधि दे दी, ठीक है ना। साम्राज्य में अब सबसे प्रमुख बात यह है, इनके एक अष्टछाप मंडली हुआ करती थी। अष्टछाप मंडली, है ना, जिसमें आठ मंत्री होते थे। कितने मंत्री होते थे? आठ मंत्री होते थे। और ये आठ मंत्री थे, है ना, ये आठ मंत्री इनको सलाह देते थे। क्या देते थे? सलाह। और सलाह देने का कारण ये होता था कि यहाँ आपको कोई भी काम करना है तो इन अष्टछाप मंत्रियों की मंडली से ये सलाह राय लेते थे। और इनके लिए बाध्य नहीं था, ये शिवाजी बाध्य नहीं थे कि इनकी सलाह मानने के लिए कि आपको माननी है, है ना। यहाँ शिवाजी की सलाह के लिए अष्टछाप मंडली है, अष्टछाप मंडली, लेकिन शिवाजी इसके लिए क्या नहीं थे? बाध्य नहीं थे कि आपको ये बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहला जो इस अष्टछाप मंडली में सबसे पहला जो पद था ये था पेशवा का। कौन था? पेशवा। यानी अष्टछाप मंडली जो है उसमें प्रमुख पद किसका होता था? पेशवा का। और पेशवा है राज्य के बाद में दूसरा व्यक्ति होता था, यानी राज्य की अनुपस्थिति में ये पूरे के पूरे राज्य की क्या करता था? देखभाल करता था। क्या करता था? देखभाल, इसकी पूरी जिम्मेदारी थी। तो पेशवा प्रमुख पद था राजा के बाद में। दूसरा जो पद है ये था अमात्य। कौन सा था? अमात्य। अमात्य होता है दूसरा पद, कौन सा होता है? अमात्य। और अमात्य का काम था वित्त मंत्री का। किसका? वित्त मंत्री का, ठीक है, यानी ये वित्त मंत्री हुआ करता था। तीसरा जो पद था ये था आपके मंत्री का। किसका? मंत्री। ये दैनिक कार्यों की देखरेख करता था कि अपन को कौन कौन से काम करने हैं, उनका लेखा जोखा रखने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मंत्री के द्वारा किया जाता था, ठीक है। चौथा जो काम है ये होता था सचिव। कौन होता था? सचिव। और सचिव काम करता था अपने राजपत्रित जो पत्रिक व्यवहारिक जो पत्र लेखा जो राजकीय पत्र एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजने का कौन करता है? सचिव। पांच नंबर पे होता है दबीर। क्या होता है? दबीर। और दबीर है एक विदेश मंत्री का पद होता है। किसका पद होता है? विदेश मंत्री का। दबीर है एक विदेश मंत्री, अब भी विदेश मंत्री होते हैं, ठीक है ना। छठवा तो जो पद था वो था आपके सेनापति का। किसका पद था? सेनापति का। सेना है, सेना से संबंधित जितने भी जो कार्य हैं, आप भर्ती करवाना, उनकी देखभाल करना, ये किसका काम होता था? सातवा जो पद था ये
पंडित राव, किसका था? पंडित राव, आप पंडित राव भी कह सकते हो। मुहत्सिब, सदर मुहत्सिब, ये करता था धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, धार्मिक धर्म से संबंधित ठीक है देख ले करता था। और आठ ये होता था न्यायाधीश, किसका होता था? न्यायाधीश का, ठीक है ना, न्यायाधीश। ये संपूर्ण जो शक्तियां थी वो राजा में निहित थी, संपूर्ण शक्तियां किस में निहित थी? राजा में, संपूर्ण शक्तियां राजा में निहित थी और राजा ही न्यायाधीश न्यायाधीश हुआ करता था। लेकिन यहाँ दूसरा जो व्यक्ति होता था न्यायाधीश, ये भी राजा के नीचे क्या करता था? काम करता था। ये अष्टछाप मंडली हुआ करते थे किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। सबसे पहला किसका पद है? पेशवा, सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था। दूसरा किसका है? अमात्य। तीसरा कौन होता है? मंत्री। चौथा कौन होता है? सचिव। पांचवा दबीर, ठीक है, छठवा सेनापति, सातवां पंडित राव और आठवां कौन होता है? न्यायाधीश। यहां अपन जब औरंगजेब पढ़ रहे थे, औरंगजेब की जब अपन बात कर रहे थे, किसकी? औरंगजेब की, जो अपन ने मुहत्सिब पढ़ा था। और मुहत्सिब का काम क्या था, कार्य क्या था? मैंने जब आपको औरंगजेब पढ़ाया उसमें अलग से एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अपन अकबर पढ़ा तो अपन ने नहीं बात की, बाबर पढ़ा नहीं बात की, उमायूं पढ़ा नहीं बात की, जहांगीर पढ़ा नहीं बात की, शाहजहां पढ़ा नहीं बात की। और औरंगजेब आते ही एक नया पद सृजित कर दिया गया था और उस पद का जो अधिकारी होता था वो मुहत्सिब था। यानी यहाँ ये काम क्या करता था इनका? वेश्याओं को रोक लगाना, सार्वजनिक स्थानों पर मादक जो पदार्थ बिक रहे थे उनके ऊपर रोक लगाना, साथ ही साथ हिंदुओं की जो पाठशालाएं थी, हिंदुओं के जो मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ना, ये इसके प्रमुख काम थे। जबकि उल्टा है शिवाजी के समय में, उल्टा है ना, ये क्या करता है? यहाँ धार्मिक मामलों से संबंधित जितने भी काम होते हैं इन काम को करने वाला व्यक्ति कौन था? मुहत्सिब, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? पंडित राव, ठीक है। ये शिवाजी, यहाँ इनका सैन्य प्रशासन यदि अपन बात करें तो इनकी सेना दो भागों में थी। कितने भागों में थे? कैसे सैनिक थे? पैदल सैनिक। दूसरा, इनके सैनिक ठीक है ना, यानी घोड़े वाले भी थे, घुड़सवार भी थे और पैदल सैनिक भी थे। यहाँ जो या फिर घुड़सवार जो सैनिक थे उनको कहा जाता है पागा। क्या कहा जाता है? पागा। आपा को न खा पागो, जगह सु नहीं चालू जाए, मोटो आदमी में भी सो है ना। तो यहाँ है घुड़सवार, है ना, घुड़सवार की जो सेना थी उसे मुगल आपके शिवाजी या मराठा साम्राज्य में क्या कहा जाता है? पागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागा। यहाँ ये दो प्रकार की हुआ करती थी। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है बर्गीर, ठीक है, और एक होती है सिलेदार। एक होती है सिलेदार, ठीक है ना, होती है बर्गीर और एक होती है सिलेदार। जो सिलेदार होती है बर्गीर, इसमें आपको घोड़े हैं है ना, वो राजा के द्वारा दिए जाते थे। घोड़े किनके द्वारा दिए जाते थे? राजा के द्वारा। बर्गीर जो है इसमें आपको घोड़े भी राजा के द्वारा दिए जाएंगे, है ना। यहाँ शिवाजी की सेना दो भागों में बटी हुई थी, एक आपके पैदल सैनिक भी थे, एक आपके अश्व सैनिक भी थे, यानी घुड़सवार भी इनकी सेना में थे। घुड़सवार को क्या कहा गया है? पागा कहा गया है, है ना। और एक आपके बर्गीर, यहाँ राजा के द्वारा उन सैनिकों को घोड़े भी दिए जाते थे और अस्त्र शस्त्र भी उपलब्ध करवाए जाते थे। दूसरा है आपका सिलेदार। सिलेदार है ये स्वयं को लाने पड़ते थे, चाहे आपका अस्त्र शस्त्र हो, ठीक है, चाहे आपके घोड़े हो, ये स्वयं को लाने होंगे, वो जो यहां पर सेना रखेगा, ठीक है ना। आगे अपन बात करें तो यहां एक आपकी रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी क्या होती है? एक इकाई होती है किसकी? भू राजस्व की, ठीक है ना। और इस रैयतवाड़ी जाता है किसान, रैयत किसको कहा जाता है? किसान को रैयत कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ
सीधा सीधा संबंध किससे था? किसानों से था, और किसानों से भू राजस्व वसूल किया जाता था, ठीक है ना। आपके मराठा साम्राज्य में और विशेषकर शिवाजी के समय कौन सी व्यवस्था थी भू राजस्व की? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था से यहाँ इनसे क्या खरीदा लिया जाता था? भू राजस्व लिया जाता था, चौथ वसूली की जाती थी, सरदेश मुखी की जाती थी, ठीक है ना। ये अपन शिवाजी की अपन ने बात कर ली, कौन कौन से आक्रमण, पुरंदर की संधि मैंने आपको बता दी थी। सबसे पहले तोरणा का किला जीतते हैं ना, और उसके बाद में इनके इसी समय इनके विरोधी कौन थे? औरंगजेब थे, और बीजापुर के सुल्तान थे, है ना, अहमदनगर के भी थे। अब आपको लिखना है यहां,